तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लॉग का एडवांस का सवाल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में एडवांस में आए हुए सवाल हैं वो आज आपको सवाल करवा के दिखाता हूं। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि एडवांस बहुत हार्ड है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटे तो आपका एडवांस मैं बता रहा हूं कि अच्छे तरह से निकल जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, ये एक सवाल था इंटीजर टाइप में और बेटे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें भरना है। देखिए, सवाल को समझ गए, चुटकी बजा के आपको इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एडवांस में ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ सवाल पूछा जाता है। बस क्या होता है, आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन बताऊं, इतने सारे डाटा दिया जाता है कि आप डाटा देख के ही डर जाते हैं, और जिसके कारण कौन सा डाटा कहाँ पे पुट करना है ये आप नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात देखिए, एक चीज और मैं बताऊंगा कि अगर सपोज मैं अगर वीडियो बनाते समय अगर कैलकुलेशन पार्ट कहीं पे मिस हो जाता है तो प्लीज आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाता है, बराबर है ना। तो अब आप लोग उस चीज को समझ लीजिएगा, प्लस माइनस हल्का फल्का मिस्टेक हो जाता है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी फ्लो में प्लस माइनस में हल्का फल्का मिस्टेक किसी वीडियो में हो गया है तो आप लोग उसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं पता चलेगा तो प्लीज मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, समझ गए, मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा। चलिए, अब देख बेटे, इस सवाल को आराम से समझो, बड़ा ही सिंपल सवाल है और बड़ा ही अच्छा सवाल है। देख बेटे, ये बता, यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे log बेस 2 9 इसका होल स्क्वायर। बेटे ये बता, ये वाला log को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटे याद कर, सुन, तुमको बताए थे कि 1 log a(a)(b). जब बेटे ये log ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये दोनों इंटरचेंज होता है, b यहाँ पे आता है, a यहाँ पे चला जाता है। तो बेटे ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करो, तो ये लॉग ऊपर लेके जाओ तो बेटे आपका क्या हो जाएगा, लॉग ये 2 जो है इसके जगह पे और बेटे ये वाला इसके जगह पे, तो क्या हो जाएगा, log 2 log 2 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। हमने कुछ नहीं किया बेटे, ये वाले को ऊपर लेके गया तो बेटे ये दोनों इंटरचेंज, ये दोनों क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इंटू यहाँ पे भी ऊपर लेके जाइए तो बेटे रूट सेवन देखिए, तो √7 कुछ तो लगता है कि यहाँ पे सवाल में सॉरी यहाँ पे 4 है बेटे, कुछ वही बोला, कुछ मिस्टेक हो गया, राइट। चल बेटे, इसको भी ऊपर लेके जा तो यहाँ पे देख क्या हो जाएगा बेटे, ये देख log यहाँ पे 4 और यहाँ पे बेस में क्या हो जाएगा, 7। ये बात क्लियर हो गया सब लोग को। अब जरा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा। अब आजा बेटे, यहाँ पे ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में पावर एन इंडाइसेस के, अरे a^m^n। तो बेटे यहाँ पे देख ये कितना हो जाएगा, log ये कितना हो जाएगा, base 2 9 raised to the power कितना हो जाएगा, 2 log। बोल बेटे यहाँ पे बेस में कितना हो जाएगा, log 9 base 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 into। अब सुनेगा, यहाँ पे ये 7 रूट को क्या लिखेंगे, 7^(1/2)^(2) कितना बेटे, log 4 at the base of 7। अच्छा ये बताओ, ये 2 कहाँ आएगा, इसके पावर में आ जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी से, n log m = log m^n, राइट ना। तो बेटे यहाँ पे देख, यहाँ पे log, बोलो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 9 base 2 raised to the power। देख बेटे ये हो जाएगा log, यहाँ पे देख 9 base 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये 2 कहाँ आएगा, इसके पावर में बेटे, इंटू 7^(1/2) में ये कितना हो जाएगा, 1/2 log 4 at the base of 7। ये बात क्लियर हो गया। अब बेटे ये बता, इसके पावर में ये है तो आपको तो एक बात बताए थे, a^(log n)^(a)=n, क्या बात है। तो बेटे ये देखो, ये पूरे को पकड़ लो a, तो a^(log n)^(a)=n। तो यहाँ पे n का कीमत कितना बेटे, 4 इंटू बेटे ये 1/2 कहाँ आएगा, इसके पावर में, देखो ना n log m, तो कितना हो जाएगा, 7^(7)। बोल बेटे log, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोल जल्दी से, log ये कितना हो जाएगा, base 7 4^(1/2)। क्या बात है,
मजा आ गया। फिर से a रेज टू दी पावर log n एट द बेस ऑफ a, तो बेटे ये हो जाएगा 4 इंटू एन का वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 4, यही ना। तो बेटे ये बताओ ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2, आंसर आ गया 8 के बराबर। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 8, और 8 तो इंटीजर है, तो इसीलिए ये सवाल कहाँ पे आया था बेटे, इंटीजर टाइप में आया था, क्योंकि पहले जो एडवांस में इंटीजर जो आते थे वो क्या आते थे, 0 और 9 के बीच में, यानी आपका जो भी आंसर आएगा वो 0 और 9 के बीच का ही होना चाहिए। तो देखिए ये 2008 का एडवांस का सवाल है, क्या आप ये तीन प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना जी। तो बेटे ये देखिए क्या ये सब सवाल है, टाइम पास सवाल है, बस खाली कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग रखना है, जिस बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग है उसका सवाल नहीं फंसने वाला है। और बेटे एडवांस में लॉग से सवाल पूछा जाता है, और ऐसे ही सवाल आपको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके सवाल आपको क्या करेगा, बना देगा। ओके, तो चलिए ये था 2018 का सवाल, आ जाइए अब और भी जेई एडवांस के और भी सवाल हम लेंगे, अच्छे तरह से आप लोग देखते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। चल बेटे बोर्ड पे ध्यान दे और समझ यहाँ पे, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। देख बेटे लेट लेट यहाँ पे देखो x कॉमा वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द, देख बेटे ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए क्या बोला है, 2x रेस टू दी पावर ln 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख बेटे 3y रेस टू दी पावर ln 3, और दूसरा एक और इक्वेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे दिया हुआ है 3 के पावर में ln x इज इक्वल टू 2 to the power ln y, राइट ना। और पूछा क्या है कि देन x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू निकाल के बताओ। बेटे ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है x का वैल्यू। ये था 2011 का ये सवाल है, 2011 जेई एडवांस JEE एडवांस 2011, बेटे ये 2011 का सवाल है। चलो देख लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, आप लोग एडवांस का सवाल है ये मत सोचिएगा, ये सिंपल सवाल है बेटे। 2 to the power ln 2 इज इक्वल टू 3 to the power y ln 3। अरे बेटे ln का मतलब क्या होता है बेटे, ln का मतलब होता है log जिसका बेस e होता है, तो आप यहाँ पे log भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टेकिंग log बोथ साइड ले लीजिए, यहाँ पे देख बेटे टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो बेटे, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई। तो यहाँ पे ये बताओ ln 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ln 2x इज इक्वल टू ln 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बोल बेटे ln, बोलो ना 3y। अब देख बेटे यहाँ पे ln 2 इन ब्राइकेट, देखो log m इंटू एन क्या हो जाएगा ln 2 प्लस क्या हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे ln 3 log m इंटू एन ln 3 प्लस क्या हो जाएगा ln y, राइट ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और बेटे अब आ जा सेकेंड इक्वेशन, क्या दिया हुआ है 3 के पावर में ln x इज इक्वल टू 2 to the power ln y, यहाँ पे भी log लगा ले बेटे, तो यहाँ पे ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू क्या हो जाएगा ln 2। यहाँ से एक काम करेगा ln x इंटू ln 3 अपॉन में क्या हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू ln y, बराबर है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर बेटे ये ln y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दे, कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, चल पुट कर दे। तो यहाँ पे बात करेंगे ln 2 इन ब्राइकेट, सुनना यहाँ पे देख ln 2 प्लस क्या हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, देख बेटे यहाँ पे ln y का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दे, तो ये हो जाएगा ln 3 इन ब्राइकेट, यहाँ पे देख ln 3 प्लस ln y का वैल्यू कितना, बोल बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बता दे कितना हो जाएगा, बोलो ना ln x इंटू क्या हो जाएगा ln y अपॉन ln 2। देख यहाँ पे हो जाएगा ln x इंटू ln 3 अपॉन में कितना हो जाएगा ln 2, राइट ना। तो भैया जरा यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके,
तो यहाँ पे देखेगा ln 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखेगा ln 2 प्लस कितना हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे देखेगा ln 3 इन ब्रैकेट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ln 2 इन टू क्या हो जाएगा ln 3 बराबर है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा बोल बेटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा ln x प्लस कितना हो जाएगा सॉरी ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 3 अब डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको करना पड़ेगा, इसलिए इधर वाला पोर्शन मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर आके बड़े में कैलकुलेट करूंगा, आ जाइए क्योंकि थोड़ा जगह उधर कम पड़ रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से। चल बेटे यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना, तो ln 2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा ln 2 प्लस कितना हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, देख बेटे यहाँ पे क्या है ln 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे ln 3 प्लस ये देख यहाँ पे ln x इंटू ln 3 अपॉन में कितना हो जाएगा ln 2 राइट ना, देख बेटे अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे ln 2 इंटू क्या हो जाएगा ln 2 प्लस क्या हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, यहाँ पे देख बेटे ln 3 इन ब्रैकेट ln 3 इंटू क्या हो जाएगा ln 2 प्लस ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ln 2 राइट ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। चल बेटे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बोले, यहाँ पे ln 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देख बेटे ये कितना हो जाएगा ln 2 प्लस कितना हो जाएगा ln x इज इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ln 2 प्लस ये कितना होगा बेटे ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 3 इसका होल स्क्वायर। ओके तो अब जरा देखने वाली बात है, अब क्या करिएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है, सुनिए कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ln x का होल क्यू प्लस देख बेटे ये हो जाएगा ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर, अब इस वाले पार्ट को इधर लाइए तो यहाँ पे एक काम कीजिए रहने दीजिए, यहाँ पे ln 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ln 2 प्लस यहाँ पे ln x इंटू ln 3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बेटे एक काम कीजिएगा सुनिए, ये ln x x वाले टर्म को इधर लाइए और इस वाले टर्म को सॉरी यहाँ पे ये यह हो जाएगा ln 2 क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ पे रहने दीजिए ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर और इस वाले को इधर लाइए माइनस ln x इंटू क्या हो जाएगा ln 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे इसको इधर भेज दो तो यहाँ पे ये बता ln 3 का होल स्क्वायर इंटू ln 2 माइनस कितना हो जाएगा ln 2 का क्या हो जाएगा होल क्यू, क्या बात है बेटे ln x कॉमन निकाल लो, ln x कॉमन निकाल लिए तो क्या मचा ln 2 का होल स्क्वायर ln 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर, मजा आ गया बेटे, इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है ln 2, यस सर ln 2 कॉमन नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ln 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर, ln 2 का होल स्क्वायर, क्या बात है सर। अब देख बेटे इनमें से सुनना, एक काम कर यहाँ पे ln x को रहने दे, यहाँ पे देख ln कितना हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो ln 2 राइट ना इन ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर। बेटे ये बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है कट जाएगा, तो यहाँ पे ln x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln 2, अब माइनस को इसके पावर में लेकर आ जाइए तो ln x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ln 2 टू दी पावर माइनस 1, तो बेटे ये बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। बेटे इसमें कैलकुलेशन बड़ा ही डेंजर है ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे तरह से कीजिएगा क्योंकि इसमें जो कहीं पे भी जो दिया हुआ सवाल है तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया है, कैलकुलेशन बीच में किया ही नहीं है, आप कहीं पे भी इसका अगर सॉल्यूशन देखिएगा जितने भी सॉल्यूशन डाले हैं सब लोग इसका सॉल्यूशन बेटे क्या किए हैं कि ये वाला स्टेप लिखे हैं और उसके डायरेक्ट बाद कहाँ पहुंच गए यहाँ पे, ये बीच का कैलकुलेशन कहाँ से आया नहीं है सब गायब कर दिए हैं,
तो बेटे आप किसी का भी सॉल्यूशन देखिएगा तो यहाँ पे लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए हैं। तो बेटे ये बीच का इतना सारा स्टेप आपको करिएगा तभी पता चलेगा कि ये आया कैसे है। इसीलिए मैं पूरा आपको डिटेल में करके दिखाया है, कुछ नहीं खाली मल्टीप्लाई करने का, इधर उधर करने का, कॉमन निकालने का और कट करने का, बराबर है ना। तो यहाँ पे हमने भी वही किया, मल्टीप्लाई किया, कट कर दिया, मल्टीप्लाई किया और कट किया। तो देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1/2, बेटे ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है बेटे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी में एक्स का वैल्यू 1/2 आपको दिया हुआ है। तो चलिए ये हो गया आपका 2011 का सवाल था जेई एडवांस का। अब हम बात करेंगे बेटे 2013 जेई एडवांस। तो आप लोग डर के मारे छोड़िएगा नहीं, इसमें कोई जान नहीं है। अब कैलकुलेशन भी अगर आप लोग डर के मारे छोड़ दीजिएगा तब तो हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जितना था वो बता दिया। दो इक्वेशन निकालने का, दो इक्वेशन निकालने के बाद एलएन का वैल्यू निकाल के, एलएन वाई का वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने का। अब देख बेटे तीसरा सवाल जो है जेई एडवांस, देख बेटे जेई एडवांस 2013 लिख बेटे, सवाल भी अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख बेटे यहाँ पे बोला 6 log base, देख बेटे यहाँ पे 3/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे 1/3 root 2, यहाँ पे देख अंडर रूट ऑफ, ये सवाल समझना, 4 माइनस 1/3 root 2 under root of 4 माइनस 1/3 root 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब। देखिए पहले आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू प्राप्त कीजिए, इसका सिर्फ इतने सा का पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देख बेटे मैं क्या करता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू, देख बेटे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 इसको y मान ले रहा हूँ, इतने वाले को मैं y पकड़ रहा हूँ y, तो y ये देखिए 4 माइनस 1/3, देख बेटे 3 root 2, यहाँ पे देख स्क्वायर रूट ऑफ, बोल बेटे ये 4 माइनस 1/3 root 2, यहाँ पे देख बेटे 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चल बेटे इसके ऊपर मैं छोटा सा तुमको कहानी सुनाऊंगा और जरा कहानी सुनना ध्यान से। देखो अपने क्लास का एक नमूना बच्चा था, ठीक है ना। अब वो क्या किया, एक दिन अपने घर से निकला दोस्तों के साथ और क्या किया, अपने घर से एक गिलास लिया और वो गिलास अपने बैग में डाल के चला गया कहाँ पे, बिष्णुपुरी गया, बराबर है ना। और बेटे बिष्णुपुरी गया और बिष्णुपुरी डैम के पास जाके बैठ गया, बराबर है, और उसमें से वो एक गिलास वाटर निकाला और उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे यार एक गिलास वाटर निकालने का जरा उसका लेवल चेक करो तो लेवल कितना है, बराबर है। तो अब बताइएगा कि उसका दोस्त पूछ रहा है कि बताओ कि बिष्णुपुरी डैम का लेवल में कोई फर्क आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा क्या एक गिलास वाटर निकालने से उसके लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे एक गिलास वाटर निकाल लेने से उसके लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटे आप देख रहे हैं इनफाइनाइट जो है ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं कहां तक गया है। तो देखिए इसको पकड़ लीजिए बिष्णुपुरी डैम, ये डैम है तो पहले डैम किसके बराबर है बेटे, वाई के बराबर, बराबर है। अब मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ पे ये एक गिलास वाटर निकाल लेते हैं, बस इतना सा एक गिलास वाटर निकाल लीजिए, ये वाला एक गिलास वाटर निकाल लिए, तो बेटे अब बताइए ये फिर से तो आपको दिख रहा होगा कि सर एक गिलास वाटर निकालें तो फिर से सर ये तो बिष्णुपुरी डैम ही है, तो पहले डैम क्या था किसके बराबर, वाई के बराबर, एक गिलास वाटर निकालने के बाद भी क्या रहेगा, वाई के बराबर। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा बेटे, 4 माइनस 1/3 root 2 into क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि ये वाला वैल्यू पूरा किसके बराबर, वाई के बराबर। स्क्वायरिंग कर दे बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देख बेटे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस, बोल बेटे ये कितना हो जाएगा,
वन बाई थ्री रूट टू इंटू क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वेल्व रूट टू माइनस कितना वाई अपॉन कितना हो जाएगा बेटे थ्री रूट टू। ओके तो चल बेटे अब इसका यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, थ्री रूट टू इंटू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोल बेटे यहाँ पे ट्वेल्व रूट टू माइनस क्या हो जाएगा वाई, इधर लेके आ जा थ्री रूट टू वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस कितना ट्वेल्व रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ओ माई गॉड। चल बेटे अब जल्दी से बता दे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ट्वेल्व इंटू थ्री कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा टू, और थर्टी सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करो कितना होगा सेवेंटी टू, सेवेंटी टू का फैक्टर करना है तो यहाँ मिडिल टर्म बेटे यहाँ पे हमें क्या चाहिए सेवेंटी टू वाई स्क्वायर, इसका दो पार्ट में ब्रेक करना है कितना आना चाहिए वाई आना चाहिए, तो चलो ब्रेक करो तो यहाँ पे क्या लिखेगा नाइन वाई माइनस क्या लिखेगा एट वाई, क्योंकि नाइन इंटू एट सेवेंटी टू, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव निगेटिव और नाइन माइनस एट कितना बचेगा वन वाई। ओके हो गया तो यहाँ पे देख बेटे थ्री रूट टू वाई प्लस कितना हो जाएगा नाइन वाई माइनस कितना एट वाई माइनस कितना ट्वेल्व रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब बेटे सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितना कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से अगर आप थ्री और वाई कॉमन निकालते हैं तो मजा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे सर निकाल लो ना आपकी इच्छा है रूट टू कितना हो जाएगा वाई प्लस कितना हो जाएगा थ्री, राइट ना। अच्छा इन दोनों में से अगर हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं बताओ, क्या कॉमन निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस फोर कॉमन निकाल लेते हैं बेटे माइनस फोर बराबर है ना, नहीं माइनस फोर रूट निकालना पड़ेगा माइनस फोर रूट टू निकालना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट टू वाई प्लस कितना बचेगा रूट टू, यहाँ पे क्या बचेगा थ्री बचेगा इज इक्वल टू जीरो। अब देख बेटे ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो रूट टू वाई प्लस थ्री इंटू क्या हो जाएगा थ्री वाई माइनस कितना हो जाएगा फोर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देख बेटे यहाँ से वाई का दो वैल्यू आया माइनस थ्री बाई रूट टू कॉमा वाई का वैल्यू कितना आया फोर रूट टू अपॉन में कितना है बेटे थ्री। अब एक बात यहाँ पे जान लो बेटे कि देखो y का वैल्यू माइनस थ्री बाय रूट टू, देखो यहाँ पे y जो है वो स्क्वायर रूट के बराबर है और स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव में वैल्यू नहीं देगा, तो इसीलिए वैल्यू ये वाला y का वैल्यू क्या होगा बेटे रिजेक्ट होगा, तो ये वाला y का वैल्यू रिजेक्ट होगा तो y नॉट इक्वल टू माइनस थ्री बाय रूट टू, तो ओनली फॉर y का वैल्यू कितना फोर रूट टू अपॉन थ्री। चल बेटे अब क्या कर सुन, अब y का वैल्यू यहाँ से उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे इक्वेशन वन में, सुनना चल बेटे इक्वेशन वन में पुट कर दे y का वैल्यू, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन, तो चल बेटे नहीं नहीं इक्वेशन वन नहीं ओरिजिनल सवाल में पुट करना पड़ेगा, तो आपका ओरिजिनल सवाल क्या था बेटे बताओ यहाँ पे सिक्स प्लस ये बताओ log बोलना कितना था log बेस थ्री बाय टू इन ब्राइकेट यहाँ पे बता कितना वन बाय कितना थ्री रूट टू इंटू और इसके आगे जो था वो क्या था y था यही था ना y, तो बेटे यहाँ पे देखो ये सिक्स प्लस यहाँ पे log बेस थ्री बाय टू इन ब्राइकेट यहाँ पे सॉरी वन बाय कितना हो जाएगा थ्री रूट टू इंटू वाई का कीमत कितना बेटे यहाँ पे फोर रूट टू अपॉन कितना हो जाएगा थ्री, राइट ना। तो बेटे ये बताओ यहाँ पे ये रूट टू कैंसल आउट हो जाएगा, चलो अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा। चलो गाइस यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस यहाँ पे देखो लॉग बेस कितना हो जाएगा थ्री बाय टू ऊपर में चार नीचे में नौ, इसको हम क्या लिखेंगे टू बाय थ्री का होल स्क्वायर, और बेटे ये वाला जो पावर है कूद के कहाँ आएगा आगे, तो यहाँ पे सिक्स प्लस टू लॉग कितना हो जाएगा ये थ्री बाय टू यहाँ पे टू बाय थ्री बराबर है ना। अच्छा ये दोनों सेम तो नहीं है, तो बेटे सेम नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा, आ जाओ ना कर देते हैं, तो यहाँ पे सिक्स प्लस टू ये देख लॉग थ्री बाय टू लॉग बेस थ्री बाय टू, अच्छा टू बाय थ्री को ऐसे लिख सकते हैं थ्री बाय टू रेस टू दी पावर माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं सर क्योंकि इसका तो ये रेसिप्रोकल है, अब ये माइनस वन को कुदा दीजिए आगे कर दीजिए तो सिक्स माइनस टू ये कितना हो जाएगा लॉग बेस थ्री बाय टू यहाँ पे थ्री बाय टू, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे ये तो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी ज्यादा हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा वही विष्णुपुरी डैम वाला याद रखेगा, और यहाँ पे हमने विष्णुपुरी डैम का वैल्यू निकाल के पुट कर दिया कैलकुलेट कर दिया। ओके गाइस तो ये सवाल था 2013 का, चलिए आते हैं 2015।
सवाल देख लीजिएगा सब अच्छे तरह से, कहीं पे भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी डाउट्स होगा तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है। आ जाइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देख बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, सवाल नंबर फोर्थ का, तो क्या बोला है कि ई इफ, देख बेटे, ई इफ 3 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power x-1 देन x इज इक्वल टू, इसमें देखना थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सा दिया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बेटे यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, सुनना, 2 log 2 base 3 अपॉन यहाँ पे 2 log 2 base 3 -1। बी ऑप्शन में देख बेटे, बी ऑप्शन में 2 अपॉन, सुनना, यहाँ पे 2 - log 3 at the base of कितना दिया हुआ है 2। सी ऑप्शन में दिया हुआ है बेटे, यहाँ पे देखो 1 upon 1 - log 3 at the base of 4। डी ऑप्शन में दिया हुआ है बेटे, यहाँ पे देख 2 log 3 base 2 upon यहाँ पे देख 2 log 3 at the base of 2 - 1। अब देखो ये एक से ज्यादा इसके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बराबर है ना, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बेस 3 भी है, बेस 2 भी है, बेस 4 भी है। तो बेटे यहाँ पे अब सुनिए, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सुनिए, 3 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power x-1। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे ले लीजिए बेस, यहाँ पे पहले बेस ए मान लेते हैं, सुनिए। तो बेटे यहाँ पे x को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 3 at the base of a, x-1 into क्या हो जाएगा, log 4 base a। ओके गाइस, तो यहाँ पे x log 3 at the base of a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x log 4 at the base of a - log 4 at the base of a। आप एक काम कीजिएगा, इसको इधर कीजिए, x वाले को टर्म को उधर कीजिए, इधर उधर, तो बेटे इधर आएगा तो क्या होगा, log 4 at the base of a इज इक्वल टू x log 4 at the base of a - x log, बोल बेटे, x log 3 at the base of a। दोनों में से x कॉमन ले लो, सुनो, इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो सांग काई झाला, यहाँ पे log 4 at the base of a - यहाँ पे log 3 at the base of a इज इक्वल टू, इधर में क्या होगा बेटे, log 4 at the base of a। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले बेटे, तो log 4 at the base of a अपॉन नीचे में क्या होगा, log 4 at the base of a - log 3 at the base of a। मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने बेस है, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो पहले एक जगह पे 2 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो, फिर 4 पुट कर दो, देख लो कौन सा आंसर मैच हो जा रहा है। चल बेटे पहले ले लेना एड, ए का वैल्यू 4, ठीक है, 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक सी जी इक्वल टू यहाँ पे 4 पुट कर दे, कितना एकदम सिंपल से बता रहा हूँ यार, मजा आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 4 base 4 - यहाँ पे log 3 base 4। बोल बेटे यहाँ पे 4 4 1, सर ये पता है सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 4 4 ये भी 1 हो जाएगा, 1 - कितना, log 3 base 4। कोई ऑप्शन है, देख देख देख, है रे सी ऑप्शन, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओ माई गॉड सर, एक ऑप्शन आपने निकाल दिया, ठीक है। अब बेटे base 2, तो base 2 भी ले लो, base 3 भी ले लो, देख लो कोई और ऑप्शन मैच हो गया तो हो गया, नहीं तो ये तो करेक्ट हो ही गया। चल बेटे ऐसे सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा करके करना। ये एक सवाल, सुनो सुनो एक बात बताऊं बेटे, ये एक सवाल नहीं है, ये 5 सवाल है 5 सवाल, 4 ऑप्शन भी सवाल है, एडवांस के मोर देन 1 आंसर करेक्ट में। बेटे एक सवाल कभी नहीं काउंट कीजिएगा, वो 5 सवाल है बेटे, एक सवाल निकल गया। अब आइए उसके बाद base 2 है, फिर base 3 भी है, तो अब एक आपका तो ऑप्शन मैच हो गया। अब आ जा बेटे उसके बाद ले लो एट ए का वैल्यू ले लो 3, ए का वैल्यू 3 पुट कर, ए का वैल्यू 3, तो बेटे एक सी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 4 base 3 upon यहाँ पे देख बेटे log 4 base 3 -
यहाँ पे log 3 बेस 3। अच्छा बेटे ये 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो देखो ना 4 को लिखेंगे क्या, बोलो ना 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो बेटे 2 का स्क्वायर तो 2 कूद के कहाँ आएगा, आगे। तो बेटे यहाँ पे 2 log 2 एट द बेस ऑफ 3 अपॉन नीचे में 2 log 2 एट द बेस ऑफ 3। और सर ये तो पता है 1 होता है सर, 1 कोई है ऑप्शन में? अरे वाह ये भी सर ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब सी हो गया ए हो गया। यानी देखिए अभी 2 सवाल हमने सॉल्व कर दिया, अब बेटे एक बेस 2 वाला। अब ले लो बेटे यहाँ पे एट ए इज इक्वल टू 2 ले लो, ए इज इक्वल टू 2 चल पुट कर दे, ए इज इक्वल टू 2 पुट कर दे बेटे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग बेस 2 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लॉग 4 बेस 2 माइनस लॉग 3 बेस 2। देख बेटे अच्छा ये बताओ 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 कूद के कहाँ आएगा, आगे में। तो ये क्या बचेगा, 2 log 2 एट द बेस ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे 2 log 2 एट द बेस ऑफ 2 माइनस log, बोल बेटे log 3 एट द बेस ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो जल्दी बता दे बेटे, जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा, log 3 एट द बेस ऑफ 2। तो बेटे ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपके कहने का मतलब कि 3 ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है, ए बी सी तीनों के तीनों आंसर क्या है, करेक्ट है। सिर्फ कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है बेटे, तो ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे आप एडवांस के जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे तरह से करिएगा, क्योंकि बेटे अगर आप इनमें से तीन में से अगर मान लेगी सपोज ए और बी आपने करेक्ट कर दिया तो आपको पार्शियल मार्क मिलेगा, पार्शियल मार्किंग, बराबर है ना। पार्शियल मार्किंग कहने का मतलब कि आपको ये एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क का है तो बेटे आपको सिर्फ 2 मार्क मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा। अगर ए बी सी तीनों अगर सही है और आपने तीनों टिक किया तब जाके आपको मिलेगा 4 मार्क, समझ रहे हैं। लेकिन अगर गलती से ए और बी टिक करके अगर आपने डी भी टिक कर दिया तो आपको मिलेगा -2 मार्क। तो बेटे एडवांस होता है इतना टफ नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात इसका मार्किंग स्कीम भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो भाई साहब ये देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि एडवांस के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है माने ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं उसमें एक सवाल नहीं बेटे 5 सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक तो खुद सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बारी बारी से चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप 5 सवाल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। जैसा आप देखिए ना हमने एक पहले क्या किया, एक्स का वैल्यू ए के टर्म में निकाल लिया, फिर ए के जगह पे 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यू, अगर और भी बेस होता तो वो भी वैल्यू हमें क्या करना पड़ता, पुट करना पड़ता, बराबर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, साइमल्टेनियसली 4-5 सवाल एक साथ सॉल्व करना पड़ता है। ओके तो बेटे ये जो आज का जो टॉपिक, आज का जो हमने क्वेश्चन लिया वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि एडवांस में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के क्या कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए और जितना हो सके अच्छे तरह से घर पे स्टडी कीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस तब तक के लिए गुड लक।